हाँ शुरू किया जाए। पिछली क्लास में हमारे आपके बीच मिक्सचर के बारे में चर्चाएं चल रही थी, मिक्सचर क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिक्स कराया जाता है लेकिन कोई पर्टिकुलर रेशियो नहीं होता है, तब जो कंपोजिशन बनता है उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। मैंने क्या बताया, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है और कोई डेफिनेट रेशियो में नहीं मिलाते हैं तो जो मिक्सचर तैयार होता है, कंपोजिशन तैयार होता है, उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर को मैंने पिछली क्लास में बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और दूसरे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। प्रश्न आता है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हो और वो पूर्णतः एक समान रूप से एक दूसरे में मिक्स हो जाए तब उसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे नमक या शक्कर को पानी में घोल लो, तो नमक या पानी या शक्कर पानी में घोल करके होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। इसी के साथ मैंने एक टर्म बताया था कि एलॉय। एलॉय क्या होता है, जब दो या दो से अधिक मेटल को आपस में मिक्स किया जाता है तो जो मिक्सचर बनता है उसे क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। मैंने क्या बताया, जब दो या दो से अधिक मेटल को आपस में मिक्स किया जाता है तो जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है उसे क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। जैसे मैंने बताया था ब्रास, और ब्रास में मैंने बताया था कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। किसका, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। दूसरा मैंने बताया था, ये तो होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने बताया था जिसमें दो सब्सटेंस पूर्णतया आपस में मिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग रहते हैं। अगर उनको रख दोगे तो दोनों के बीच में एक बाउंड्री लाइन आपको दिखाई देगी, तब उसे क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, जैसे मिट्टी को पानी में घोल लीजिए और फिर घोलने के बाद पानी को रख दीजिए तो मिट्टी क्या होती है, नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। तो ये मिक्सचर कैसा हुआ, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। तो अगर मड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलता है। या मान लेते हैं नमक में हम रेत मिला दें तो नमक और रेत का मिक्सचर जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो कुल मिलाकर के मिक्सचर मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं। उसके बाद चर्चा चल रही थी हमारे आपके बीच सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन में क्या होता है, जब दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया जाता है, दो से ज़्यादा कंपोनेंट भी मिल सकते हैं, और जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन का कंपोजिशन हम एक लिमिट तक चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया था जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाने में दो कंपोनेंट यूज होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है और दूसरा सॉल्यूट होता है। मैंने बताया था सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो जिस कंपोनेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी कम होती है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। तो जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी कम होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं। जैसे आप शरबत बनाते हो तो शरबत बनाते समय आप वाटर का अमाउंट ज़्यादा लेते हैं तो वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और शक्कर क्या होती है, सॉल्यूट होती है। और एक चीज़ या दूसरे रूप में समझिए, जो चीज़ घुलती है, जो चीज़ डिजॉल्व होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें डिजॉल्व होती है
उसे सॉल्वेंट कहते हैं। मैंने क्या बताया, जो चीज़ घुलती है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें डिजॉल्व होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। दूसरी एक बात और मैंने बताया था कि वाटर गुड सॉल्वेंट इन द नेचर, बिकॉज वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81 होता है, हाई होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब बांड को ब्रेक करने की पावर। किसमें कितनी बांड को ब्रेक करने की पावर होती है वही क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बांड को ब्रेक करने की क्षमता को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो वाटर गुड सॉल्वेंट इन द नेचर, तो ये चीज़ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे मैंने बताया था। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखा जाए, अगर फिजिकल स्टेट के बेसिस पर देखा जाए, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, 9 टाइप के होते हैं। हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है वाइट बोर्ड पर, जिससे समय कम खराब हो। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, क्या है, दीज आर 9 टाइप होते हैं। अब 9 टाइप देखिए क्या होता है, इधर हमने क्या लिख, इधर क्या कर दो, ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखना ये क्या है, एग्जाम्पल है। ये सॉल्यूट मैंने लिखा है, ये सॉल्वेंट और ये एग्जाम्पल। यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। मतलब यहाँ पर दोनों की स्टेट कैसी है, गैस है। इसका एक मिक्सचर, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। जैसे एटमॉस्फेयर में देखा जाए सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, 78% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम पाई जाती है, और ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, 20.08% पाई जाती है, ये इतनी ऑक्सीजन पाई जाती है। तो और CO2 कितनी पाई जाती है, इस प्रकार से 0.03% CO2 पाई जाती है। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में है, तो नाइट्रोजन क्या होगा, सॉल्वेंट होगी, और ऑक्सीजन क्या होगी, सॉल्यूट होगी। दूसरा एग्जांपल, सॉल्यूट क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और सॉल्वेंट कौन सा है, गैस फॉर्म में है। जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, अगर क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन गैस मिक्स कर दी जाए तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में है, और नाइट्रोजन क्या है, गैस है। दूसरी बात देखा जाए, क्लोरोफॉर्म को अगर सूंघ लोगे तो बेहोश हो जाते हैं। वैसे क्लोरोफॉर्म में एक बहुत टॉक्सिक गैस बनती है जिसे फास्जीन गैस कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, लोग सूंघ लेते थे तो लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी, डॉक्टर इसे बेहोश करने में यूज करते थे, लेकिन पता चला पेशेंट की डेथ ही हो गई, तो क्लोरोफॉर्म का एनालिसिस की गई तो पता लगा उसमें एक टॉक्सिक गैस बन जाती है, और उस गैस का नाम क्या है, फास्जीन गैस है। और फास्जीन गैस बनने के कारण ही लोगों की डेथ हो जाती थी, इसलिए क्लोरोफॉर्म का यूज अब छोड़ देते हैं, छोड़ दिया गया। नेक्स्ट देखा जाए कौन सा एग्जाम्पल है, सॉलिड क्या है, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है, गैस। जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर मतलब कपूर, कपूर को जब जलाओगे तो कैम्फर क्या होता है, सॉलिड होता है, और नाइट्रोजन क्या होगी, गैस होती है। तो ये कैम्फर जब जलेगा तो जा करके एटमॉस्फेयर में मिलेगा, और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, गैस, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में ऑक्सीजन घुली रहती है, और जो वाटर में ऑक्सीजन घुली रहती है उस ऑक्सीजन का यूज एक्यूटिक ऑर्गेनिज्म करते हैं, मछलियाँ वगैरह जल में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करके रेस्पिरेशन करती हैं। और तो ये ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन क्या है, गैस है,
और वाटर क्या है लिक्विड, तो सॉल्वेंट क्या है लिक्विड और सॉल्यूट क्या है गैस है। अगला एग्जांपल देखा जाए, दोनों लिक्विड हैं, सॉल्यूट भी लिक्विड सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो जैसे एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, जो लोग दारू पीते हैं वो क्या करते हैं ग्लास में दारू लेते हैं, इथाइल अल्कोहल लेते हैं और उसमें पानी मिलाते हैं, तो इथाइल अल्कोहल भी क्या है लिक्विड फॉर्म में है, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में है, जैसे एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट देखा जाए अगली फेज, सॉल्यूट क्या है सॉलिड फॉर्म में और सॉल्वेंट कौन सा लिक्विड फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज क्या है सॉलिड है और वाटर क्या है लिक्विड, तो ग्लूकोज को जब पानी में घोलोगे तो ये एग्जांपल बन गया सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। नेक्स्ट सातवां केस देखा जाए, सॉल्यूट क्या है गैस है और सॉल्वेंट क्या है सॉलिड है, तो क्या है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, क्या होता है हाइड्रोजन गैस पैलेडियम मेटल है, इसकी सरफेस पर चिपक जाती है, जब कोई मेटल जब कोई चीज़ किसी की सरफेस पर चिपकती है तो उसे क्या कहते हैं एडजॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं कहते हैं, तो हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम मेटल के ऊपर चिपकना ये गैस और सॉलिड का एग्जांपल है, इसमें सॉल्यूट कौन सी है गैस है और सॉल्वेंट कौन सा है सॉलिड है। नेक्स्ट देखा जाए, सॉल्यूट कौन सा है लिक्विड और सॉलिड क्या है सॉलिड, जैसे सॉल्वेंट क्या है सॉलिड, जैसे अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। देखा जाए क्या होता है, किसी भी मेटल के साथ अगर मरकरी मिल जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं अमलगम कहते हैं। मैंने क्या बताया, अगर किसी भी मेटल के साथ जैसे सोडियम मेटल है इसके साथ मरकरी मिल गई तो उसे क्या कहते हैं अमलगम कहते हैं, लेकिन अमलगम कौन सी मेटल नहीं बनाती है, आयरन नहीं बनाती है, बाकी सब बना देते हैं, समझे। तो अगर किसी मेटल के साथ मरकरी अटैच हो जाती है तो उस मिक्सचर को क्या कहते हैं अमलगम कहते हैं, तो मरकरी क्या है लिक्विड फॉर्म में होती है और सोडियम क्या है सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड क्या है सॉल्वेंट और लिक्विड क्या है सॉल्यूट। मैंने तुमको बताया था कि नॉर्मल टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर पर मेटल ही एक मरकरी ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और दूसरी बात मैंने बताया था रूम टेम्परेचर के थोड़ा सा ऊपर सीजियम और गैलियम क्या होती है लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। नेक्स्ट नवा देखा जाए क्या होता है, सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, जैसे कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर को गोल्ड में मिलाया जाता है, जैसे तुम कोई भी आर्नामेंट खरीदने जाते हो तो प्योर गोल्ड का नहीं बनाया जाता है, प्योर गोल्ड का कोई आर्नामेंट बन ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी नहीं मिलाओगे तो गोल्ड में इम्प्योरिटी के रूप में कॉपर मिलाया जाता है, तब उसमें हार्डनेस आती है और आर्नामेंट में मजबूती आ जाती है, इसलिए कोई भी आर्नामेंट 100% गोल्ड के नहीं बनाए जाते हैं, बहुत थोड़ी बहुत मात्रा में उसमें इम्प्योरिटी ज़रूर मिलाई जाती है। तो कॉपर यहाँ पर क्या है सॉलिड फॉर्म, गोल्ड भी क्या है सॉलिड फॉर्म में है, तो यहाँ पर सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो ये एग्जांपल हो गया। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, 9 टाइप के होते हैं जो तुम्हारे सामने हैं, और इनको बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ये अभी से लेकर के और 12th तक कंटिन्यूस, 12th क्या आगे जब कंपटीशन भी दोगे वहाँ पर भी एग्जांपल पर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो ये तुमको याद ही करना पड़ेगा, जब याद ही करना पड़ेगा तो क्यों ना हम अभी याद कर लें। आगे देखा जाए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस बेसिस पर, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब एक दिए हुए सॉल्वेंट के अमाउंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस बेसिस पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हमने डिवाइड किया। कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, मतलब गिवन अमाउंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है उस बेसिस पर सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन
और दूसरा कौन सा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखा जाए क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर भी फिक्स रखते हैं, एक गिवन अमाउंट में सॉल्वेंट के निश्चित क्वांटिटी में ही सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जा सकता है और अधिक नहीं घोला जा सकता है, तब उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, एक दिए हुए टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्वेंट के अंदर एक फिक्स क्वांटिटी में ही सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जा सकता है, उससे ज़्यादा सॉल्यूट को हम नहीं डिजॉल्व कर सकते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक होती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है एट दिस टेम्परेचर, मतलब फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्यूट का जितना अमाउंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में घुला होता है वही उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। मैंने क्या बताया, फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्यूट की जितनी क्वांटिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिजॉल्व होती है वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी का एक फार्मूला है, सॉल्युबिलिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अगर नहीं दिख रहा है तो हम फार्मूला भूल रहे हैं। सॉल्युबिलिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। इस फार्मूले से हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। यह सॉल्युबिलिटी निकालने का फार्मूला होता है। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी और ज़्यादा घोली जा सकती है। तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। इसमें सॉल्यूट का अमाउंट सैचुरेशन लेवल से कम होता है, सैचुरेशन लेवल से ज़्यादा नहीं होता है। दैट इज सम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पर, दिए हुए टेम्परेचर पर अगर हम सॉल्यूट की और अधिक मात्रा को डिजॉल्व कर सकते हैं तब उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो तुमको मैंने बताया कि सॉल्वेंट के अंदर मैंने किस टाइप बेसिस पर डिवाइड किया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब दिए हुए सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, डिजॉल्व है, उस बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप में डिवाइड किया, दो टाइप में, एक कौन सा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा कौन सा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या मैंने बताया, एक फिक्स टेम्परेचर पर, टेम्परेचर को अपन कांस्टेंट रखें तो फिक्स टेम्परेचर पर एक फिक्स अमाउंट में ही, एक निश्चित अमाउंट में सॉल्यूट को घोला जा सके, उससे ज़्यादा सॉल्यूट को हम न घोल सकें, तब उसे, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। वही लिखा है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। दूसरी एक डेफिनेशन मैंने बताया सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व होता है वही उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी, और टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए। सॉल्युबिलिटी निकालने का फार्मूला मैंने बताया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ये इस फार्मूले से हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैंने तुम्हें क्या बताया, निश्चित टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर अगर फिक्स है तो अगर हम सॉल्वेंट के अंदर और अधिक सॉल्यूट की मात्रा को डिजॉल्व कर सकते हैं तब उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर कट में साफ साफ लिखा है, सम मोर
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब दिए हुए टेम्परेचर पर हम सॉल्यूट की और अधिक मात्रा घोल सकते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज की सेवा इतनी, फिर उसके बाद नई क्लास में नई चीज़ सिखाएंगे, इतना आप पढ़िए। ओके, बेस्ट ऑफ।